हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में आने वाले हर तरह के छोटे बड़े सभी एरर के बारे में। फ्रेंड्स, एक्सेल में लगभग 8 तरह के एरर होते हैं जो अभी आपको दिखाए जा रहे हैं। आज हम इन्हीं एरर के बारे में जानेंगे, क्यों ये सभी एरर आते हैं और कैसे इनको रिजोल्व किया जाता है। तो उसके लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखेगा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके एक्सेल और कंप्यूटर का ट्यूटर गोविंद, और आप देख रहे हैं कॉम ट्यूटर। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एक्सेल में आने वाले एरर्स की, जिसमें सबसे पहला एरर होता है डिवाइड बाय जीरो, जिसका मतलब है कि हमारा फॉर्मूला या तो जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो किसी ऐसे फॉर्मूले के साथ स्ट्रगल कर रहा है जिसमें सेल ब्लैंक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस सेल में हमने वैल्यू दी है B6 डिवाइड बाय B7 और B7 की वैल्यू है 0, तो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर ये एरर आया डिवाइड बाय 0। सेम चीज हमने यहाँ पर करी है, इसमें भी डिवाइड हमने किया है D6 को D7 से, और D7 है सेल एम्प्टी, और एम्प्टी सेल को इसने कंसीडर किया है 0 के रूप में, तो वहाँ पर भी डिवाइड पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेम एरर हमें दिखा है डिवाइड बाय 0। और सेम चीज यहाँ पे है, अगर आप कोई फॉर्मूला ऐसा लगाते हैं जिसकी लॉजिकल कंडीशन 0 में कन्वर्ट हो रही है, तो भी वहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला लगाया है कि G5 से G7 की एवरेज निकाली जाए अगर 50 से ज्यादा हो, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है 0, और 0 की एवरेज नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर भी हमें ये एरर मिला है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एरर की तरफ, जो है NA। तो फ्रेंड्स, ये एरर तब आता है जब हमने कोई फॉर्मूला या फंक्शन दिया हो और वो उस रेफरेंस को ढूंढ नहीं पा रहा हो। जैसे कि यहाँ पर हमने इसमें एक फॉर्मूला दिया है B7 प्लस B8 प्लस B9, लेकिन B8 में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें NA एरर मिला। अगर यहाँ पर हम कोई वैल्यू डाल देते हैं जैसे 10, तो एरर नहीं आएगा। सेम चीज यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला मैंने लगाया है एवरेज का, हमें यहाँ इन सब सेल्स की एवरेज चाहिए, लेकिन वहाँ पर वैल्यू नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर ही वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि 6, तो यहाँ पर इसका एवरेज आ जाएगा, और यहाँ पर कोई वैल्यू देता हूँ जैसे 2, तो यहाँ पे एवरेज आने की वजह से इसका भी एवरेज आ गया। तो इस तरह हम इस NA एरर को रिजोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ, जो है नेम का एरर। फ्रेंड्स, ये नेम का एरर तब आता है जब एक्सेल के फॉर्मूले के नाम, रेंज के नाम, या फिर टेबल एरे के नाम में गड़बड़ होती है। जैसे अभी यहाँ पर अगर फॉर्मूले को एडिट करो तो आप देख सकते हैं C8 से C9 तक का हमने सम लिया है, लेकिन सम के फॉर्मूले के नाम में गड़बड़ है। वहां पर मैंने सम की जगह सन लिख दिया है, तो इसको अगर मैं ठीक कर देता हूँ, SUM कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, मैंने एवरेज लिया है, लेकिन एवरेज के फॉर्मूले में मैंने गलती कर दी है, हमें एरर मिला है नेम वाला। इसको मैं दोबारा से सही कर देता हूँ, तो देखिए मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर थर्ड में देखिए, सम डेटा, यानी कि जो मैंने ये रेंज ली है, इसका मैंने नाम नहीं दिया है, तो ये नेम का एरर आया है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ नेम बॉक्स में जाके इसका नाम दे देता हूँ डेटा, देखिए वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, ये नेम वाला एरर आता है नेम में गड़बड़ी की वजह से। अब चलते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ, जो है नल एरर। और ये एरर तब आता है जब हमने फॉर्मूला प्रॉपर ना लिखा हो, यानी फॉर्मूले में कोमा की जगह स्पेस दिया हो, या फिर ऑपरेटर का सही यूज नहीं किया हो। जैसे कि यहाँ पर इसको अगर मैं आपको एडिट करके दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 सेल्स की वैल्यू को प्लस किया है, लेकिन थर्ड वाले सेल में मैंने प्लस की जगह स्पेस दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस को हटा करके प्लस डाल देता हूँ, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, कोई एरर नहीं मिलेगा। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप से 1 के साथ वाली वैल्यू यानी 25 को लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए क्या होता है, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में बगल वाली वैल्यू, कोमा आएगा वैसे तो बेसिकली, लेकिन मैं कोमा नहीं देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, और लुकअप एरे ले लेता हूँ यहाँ से, और कोमा डाल के दे देता हूँ 2, ताकि सेकंड कॉलम की वैल्यू मुझे मिले, और कोमा डाल के 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखा, नल वाला एरर आया है क्योंकि हमने वहाँ पे प्रॉपर ऑपरेटर नहीं दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से जाकर कोमा लगा देता हूँ, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, 1 के साथ की वैल्यू है 25,
ये एरर भी हम ऐसे रिजोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ जो है नम एरर। फ्रेंड्स ये नम एरर होता है जब हम किसी फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए इनवैलिड नंबर टाइप कर देते हैं तो ये एरर आता है। जैसे अभी यहाँ पर अगर इसमें फॉर्मूले को एडिट करूँ तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है लार्ज का, इसमें टोटल नंबर है 8 और मैंने इससे पूछा है 9, तो ये एक वैलिड एंट्री नहीं है इसलिए इसने नम एरर दिया है। अगर मैं इससे पूछता हूँ कि इन सारी वैल्यूज में सेकेंड नंबर की कौन सी वैल्यू लार्ज है तो इसका आंसर होगा अप्रोक्स 7। देखिए क्योंकि 1 से लेके 8 तक की संख्या में सेकेंड नंबर की वैल्यू जो सबसे लार्ज है वो है 7, वही आंसर हमें मिला है। अब मैं इसको अगर पूछता हूँ कि 9th नंबर की वैल्यू कौन सी है जो लार्ज है, अब 1 से 8 तक के नंबर में 9th वैल्यू को कैसे पॉसिबल है ढूंढना, तो जो इम्पॉसिबल सा काम एक्सेल के बस का नहीं है, इसलिए उसने नम एरर दिया है कि आपने इनवैलिड एंट्री की है। तो अब इस एरर के बारे में भी आप जान गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ जो है रेफरेंस एरर। और ये रेफरेंस एरर कब आता है, जब फॉर्मूले में रेफरेंस यानी सेल का एड्रेस इनवैलिड हो जाता है तो ये रेफरेंस एरर आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले को एडिट करूँ तो देखिए मैंने सम लिया है इन 3 सेल का, और इन 3 सेल में से अगर मैं किसी एक सेल को भी डिलीट कर देता हूँ तो ये रेफ एरर आएगा, क्योंकि वो सेल वहां से डिलीट हो चुका है, इनवैलिड सेल हो गया है वो, इसलिए अब हमें ये रेफ एरर मिलेगा। अगर मैं इसको कोई दूसरा रेफरेंस दे दूं तो ये एरर नहीं आएगा इस तरह से। और नेक्स्ट एरर है वैल्यू एरर, जो हमें मिलता है जब हम रोंग टाइप की फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने C7 प्लस C8 प्लस C9 किया है, लेकिन C9 में वैल्यू है AB जो रोंग वैल्यू है, इसलिए ये वैल्यू एरर हमें मिला है। सेम चीज हमने यहाँ किया है, हमने इसमें सम लिया है लेकिन सम में हमने माइनस कर दिया है, तो ये भी वैल्यू एरर है, यानी कि हमने वैल्यू सही नहीं दी है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सही दे देता हूँ तो हमें आंसर मिल जाएगा इस तरह से। अब वैल्यू एरर के बाद नेक्स्ट एरर है हैशटैग एरर। किसी सेल में आपने ये हैशटैग देखे होंगे, इससे बहुत पाला पड़ता है। एक्चुअली ये एरर होता है फ्रेंड्स जब आपके सेल की लंबाई या कॉलम की लंबाई सफिशेंट नहीं होती है उस वैल्यू के बराबर, तो आपको ये एरर मिलेगा। इसके लिए आपको सेल की लंबाई को बड़ा करना पड़ेगा तो ये एरर हट जाएगा, वो वैल्यू को पूरी जगह मिल जाएगी और वो उस सेल में दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो मेरे को ये वैल्यू दिखाई देगी इस तरह से। ज्यादातर डेट्स के साथ होता है ये एरर। तो इस एरर के बाद हमारा लास्ट एरर होता है गेटिंग डाटा एरर। फ्रेंड्स एक्चुअली ये वाला एरर ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आपकी अभी वर्कशीट को कैलकुलेट किया जा रहा है, और बहुत जल्द ही जब आपकी वर्कशीट कैलकुलेट कर ली जाती है तो ये एरर भी खत्म हो जाता है, तो ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग इस एरर के बारे में नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसको देखने के बाद आप किसी भी एरर को देख कर उसको पहचान सकते हैं कि ये एरर क्यों आया है और उसको रिजोल्व भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको ये एक्सेल फाइल मिल जाएगी। और बहुत से फ्रेंड्स मुझसे सवाल करते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहाँ लिंक है, तो मैं आपको आज वो भी बता देता हूँ। आप जैसे वीडियो के नीचे जाएंगे, टाइटल के नीचे आपको उस वीडियो के बारे में डिटेल मिलेगी कुछ इस तरह, और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो मोर। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी डिटेल होती है, सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। और उसी में मैं एक लिंक देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिंक दिया है, इसी तरह के मैं लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको भी वो एक्सेल सीट मिल जाएगी। तो ये आज का वीडियो था फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के वीडियोस पाने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सीखते रहिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स।